राजनीति में एक कहावत है या एक डायलॉग कह लीजिए, अक्सर बोला जाता है, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। ये फिल्म का डायलॉग है लेकिन राजनीति पर फिट बैठता है। और अब भारत रत्न की पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भारत रत्न भी क्या सियासी हो चला है या उसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है। खैर, सवाल जो है उठ रहे हैं उसके जवाब भी तलाशे जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि बीते दिनों लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया, और आज प्रधानमंत्री ने 3 और ऐलान किए। किसके नाम के? MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक बताए जाते हैं। इसके अलावा जो ऐलान था वो चौधरी चरण सिंह के नाम का था, और PV नरसिम्हा राव, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाजे जाने का ऐलान किया। भारत रत्न जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको देते हैं। भारत रत्न का जो शुरुआत हुई 1954 में हुई, सी राजगोपालाचारी और CV रमन को पहला भारत रत्न मिला था। तब से आप देखेंगे एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। उसमें अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सबको भारत रत्न मिल चुका है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, तमाम लोगों के नाम, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो अब सवाल आता है इसकी पॉलिटिक्स पर। तो जब जैसे ही पूछा जाता है कि इसकी पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स को लेकर दो चीज़ें आज की डेट में लोग इंगित कर रहे हैं। पहला ये कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला तो उनकी लेगेसी का दावा करने वाले नीतीश कुमार वो NDA के साथ आ गए। दूसरा ये कि चौधरी चरण सिंह की लेगेसी का दावा करने वाले उनकी लेगेसी को संभालने वाले जयंत चौधरी, वो भी अब NDA के साथ आने के संकेत उन्होंने दे दिया है। तो दो भारत रत्नों से NDA के दो अलायंस क्या बढ़ गए, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी ट्वीट कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे को और प्रकाश सिंह बादल को भी भारत रत्न के नाम का ऐलान कर दिया जाए तो इधर से अकाली दल, उधर से उद्धव ठाकरे भी NDA के साथ आ जाएंगे। भारत रत्न को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही, लेकिन ये बात जरूरी है कहना कि भारत रत्न के जो इन जिन लोगों को भारत रत्न मिला है, इनको लंबे वक्त से भारत रत्न देने की मांग हो रही थी। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के तौर पर बहुत दिनों से इसकी चर्चा होती थी कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। PV नरसिम्हा राव, जिनके दौर में उदारीकरण हुआ और जिनके दौर में आपकी पूरी अर्थव्यवस्था बदलने का एक खाका खींचा गया, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, आंध्र की पॉलिटिक्स पे क्या इसका कुछ असर होता है ये भी अपना देखने वाली बात है। लेकिन भारत रत्न के जब आप चुनावी साल में, और जब चुनाव एकदम मुहाने पे खड़ा है, मुश्किल से एक महीने का समय है जब आचार संहिता लग जाएगी, और तब तीन और बड़े नामों के ऐलान होते हैं, तो कड़ियां भिड़ाई जाने लगती हैं कि कहीं इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है, अवार्ड और सियासत में कोई मेल तो नहीं है, ये लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। मायावती का ट्वीट आता है, मायावती कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग करती हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों का ट्वीट आता है जिसमें वो चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह यादव जी के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। तो इस तरीके से भारत रत्न के मांग वाली एक नामों की फहरिस्त है। एक वो भी मांग है वीर सावरकर को जो है भारत रत्न कब दिया जाएगा, तो क्या पता जब महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हो, तो हो सकता है अगर उसके आसपास अगर कोई ऐलान होता है तो क्या पता उनके नाम का भी ऐलान हो जाए। इस तरीके से नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन आप देखिए ये एक तरीके का ऐलान जो है वो ज़मीन से जुड़ा है, जो लोगों को आकर्षित करता है। भाई चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ तो जो ये जाटलैंड की पॉलिटिक्स है वो अपने आप में जयंत चौधरी को उनके साथ आने के लिए एक बढ़िया मोरल और एक बढ़िया ग्राउंड तैयार करके दे दिया कि भाई अब आप आ जाइए। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि आप तो 10 साल से विरोध कर रहे थे, आप क्यों चले गए, आपके पिता तो जो है विरोध कर रहे थे और आखिरी सांस तक विरोध किया, वो तो चुनाव भी BJP के खिलाफ ही लड़ते रहे, पहले BJP के साथ रहे लेकिन आखिरी सांस तक तो वो BJP के खिलाफ रहे, तब आप क्यों चले गए, तो एक ज़मीन तैयार करके दे दी कि हाँ आप इस बात पे कहा जा सकता है कि भाई सालों से जो मांग थी जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो मांग BJP सरकार ने पूरी कर दी। और आप एक देखेंगे जो कांग्रेस के 10 सालों का कार्यकाल था पिछला, उसमें मेरे जानकारी में 2-3 भारत रत्न ही दिए गए थे, लेकिन BJP ने अपने कार्यकाल में भारत रत्न देने की संख्या जो है वो बढ़ाई है, 5 तो इसी साल हो गए, इससे पहले भी 5-6 लोगों को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम का ऐलान इसी सरकार में हुआ था, और भी कई सारे नाम हैं जिनके नाम का ऐलान भारत रत्न के लिए हुआ। भारत रत्न देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है, और ऐसी विभूतियों को जब वो सम्मान मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी चर्चा होती है, और जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनको
आज से नहीं बहुत पहले मिल जाना था, जिसकी बात उनके समर्थक और तमाम लोग कहते हैं। जैसे एम एस स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति के जनक है, उनके लिए भी कहा जाता था कि उन्हें भारत रत्न एक वक्त पहले ही मिल जाना चाहिए था। तो ऐसे लोगों का नाम आना उस वर्ग किसान समाज और उसके लिए एक खुशी की बात है। और इसके बाद एक ट्वीट मैंने पढ़ा तो पांचों भारत रत्न को जोड़कर बताया कि आडवाणी को भारत रत्न दे करके मंदिर साधा गया, कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न देकर मंडल साधा गया, जो किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मंडी को साधा गया, नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर के मार्केट को साधा गया, और जो एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर मिलेट्स को साधा गया। तो 5M का फॉर्मूला भी लोगों ने तैयार कर दिया। क्रिएटिव लोग हैं, बहुत सारी कलाकारी आपको ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पर दिख जाएंगी। आपको भारत रत्न के ऐलान और भारत रत्न जो जिन नामों को ये कहा गया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित किया वो अलंकरण है, अलंकृत किया जाएगा उन्हें, तो उस पर आप क्या सोचते हैं और इसकी टाइमिंग और जो सवाल उठ रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।